रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दशकों तक तटस्थ रहने वाले फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की घोषणा की है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन और राष्ट्रपति सौली निनिस्टो ने गुरुवार को कहा कि नाटो की सदस्यता के लिए जल्द ही आवेदन दाखिल करेंगे। हालांकि इस ऐलान के बाद रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को अंजाम भुगतने की धमकी दी। रूस ने इससे पहले नाटो में शामिल होने पर फिनलैंड के पास परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की धमकी दी थी। ऐसे में फिनलैंड के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि रूस बौखलाहट में कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या नाटो, जिसमें फिनलैंड शामिल होना चाहता है, रूस यूरोप में नाटो के विस्तार का विरोध क्यों कर रहा है, कैसे नाटो के चलते ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये नाटो क्या है इसको सबसे पहले जान लेते हैं, जिसमें फिनलैंड शामिल होना चाहता है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 12 देशों ने सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की थी। नाटो में अब तक 30 सदस्य देश हैं, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो के एक आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन और राष्ट्रपति सौली निनिस्टो के गुरुवार को नाटो में एक बिना देर किए शामिल होने को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसके कई संकेत पहले से ही मिल रहे थे, खासतौर से यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद। फिनलैंड में हाल ही में कराए गए एक सर्वे में देश के 76% लोग इस कदम के पक्ष में थे। फिनलैंड ने कहा कि नाटो की सदस्यता उसकी सुरक्षा को मजबूत करेगी। हालांकि इस साल जनवरी में जब रूसी सेना यूक्रेन पर से लगी सीमा के पास जमा हो रही थी, तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके देश के नाटो से जुड़ने की संभावना बहुत कम है। रूस यूरोप में नाटो के विस्तार का विरोध क्यों कर रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। नाटो का विस्तार रूस के लिए संवेदनशील मुद्दा है। वो इसे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। यूक्रेन पर हमले के लिए भी वो इसी को बड़ी वजह बताता रहा है। रूस की 1300 किलोमीटर की लंबी सीमा फिनलैंड से मिलती है। उसके लिए फिनलैंड का एक बफर जोन है। रूस कतई नहीं चाहता है कि नाटो उसके इतने करीब आए, इसलिए रूस फिनलैंड के भी नाटो में शामिल होने का विरोध लगातार कर रहा है। फिलहाल नाटो के सदस्य देशों में नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रूस के साथ करीब 1200 किलोमीटर लंबी सीमा है, अगर तो वो फिनलैंड भी है। अब नाटो में आ रहा है तो ये बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। रूस और फिनलैंड का इतिहास क्या आ रहा है, ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम आपको इसको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। रूस ने फिनलैंड पर कई बार हमला किया था और यहाँ तक कि 19वीं सदी की शुरुआत में 1917 तक इस पे एक ऑटोनॉमस डची के रूप में शामिल भी कर लिया था। फिनलैंड रूस का आखिरी हमला नवंबर 1939 में हुआ था। फिनलैंड रूसी आक्रमण के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध और तथाकथित फिनिशाइजेशन का कारण सोवियत वर्चस्व के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से रहा है। फिनलैंड सैन्य और विदेश नीति के संदर्भ में अभी तक तटस्थ ही रहा है और नाटो में शामिल नहीं हुआ था। इसके साथ ही फिनलैंड वारसा संधि में शामिल भी नहीं हुआ, जबकि रूस चाहता था कि वो इसमें शामिल हो। हालांकि अब यूक्रेन पर रूसी हमले ने इन देशों की सोच और फैसले को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। आखिर रूस फिनलैंड को धमकी क्यों दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि पश्चिमी देशों ने 1990 में वादा किया था कि पूर्व की ओर नाटो एक इंच भी विस्तार नहीं करेगा, लेकिन इस वादे को तोड़ा गया। यूक्रेन पर हमला करने के अगले दिन ही रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि एक सैन्य संगठन है, तो इसके गंभीर सैन्य और राजनीतिक परिणाम होंगे और रशियन फेडरेशन को जवाबी कदम उठाने पड़ेंगे। रूस ने 15 अप्रैल को नाटो को चेतावनी दी थी कि अगर फिनलैंड नाटो में अगर शामिल हुए तो यूरोप के बाहरी इलाकों में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर देगा। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हमले की चेतावनी भी दे दी थी। उन्होंने कहा था परमाणु मुक्त बाल्टिक सागर को कोई भी बातचीत नहीं होगी। यहाँ रूस की कालिनिनग्राद क्षेत्र है जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेशकोव ने गुरुवार को कहा था कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो उसे अंजाम भुगतना होगा। फिनलैंड के इस कदम के साथ यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा में मदद मिलेगी। नाटो में जाने से फिनलैंड को कितना फायदा होगा? दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिनलैंड अगर नाटो में शामिल होता है तो बेहतरीन होगा। नाटो के बुनियादी सिद्धांतों में से एक कलेक्टिव डिफेंस यानी एक या एक से
ज्यादा सदस्यों पर हुआ हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग के शब्दों में ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल है, यही एक के लिए सब के लिए और हर एक की सुरक्षा की गारंटी है, जो बदले घटनाक्रम में यूरोपीय देशों के लिए नाटो की सदस्यता को आकर्षक बनाती है। यूक्रेन की स्थितियां हाइपोथोसिस बना रही है और कल को ये युद्ध हुआ उस स्थिति में कोई देश अकेला नहीं रहना चाहता है। कई एक्सपर्ट ने इस बात को लेकर के चिंता भी जाहिर की है कि जैसा कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता लेने के लिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें लेकर भी रूस वही अपना रुख अपना सकता है जो यूक्रेन के खिलाफ अख्तियार किया है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि रूस जिस तरह से धमकियां दे रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी निराशा और असंतोष को दिखाता है। वो कहते हैं कि रूस की सेना यूक्रेन में युद्ध में शामिल है और ऐसे में उसके हाथ बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और ऐसे में वो इस स्थिति में नहीं वो फिनलैंड पर हमला कर सकता क्योंकि अभी उसकी वो स्थिति नहीं है। अब इस पर नाटो का क्या रुख है? 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के फिनलैंड और स्वीडन के औपचारिक तटस्थ के बीच सैन्य गुटनिरपेक्षता में बदल गए हैं। दोनों देश पहले से ही नाटो पार्टनर रहे, अभ्यास में भाग ले रहे हैं और गठबंधन के साथ खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। फिनलैंड पहले ही नाटो के GDP के 2% रक्षा खर्च के लक्ष्य को पूरा कर चुका है, जबकि स्वीडन ऐसा करने के लिए तैयार है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांस के राष्ट्रपति फिनलैंड के नाटो से जुड़ने के फैसले का स्वागत किए हैं। अब इस पर आगे क्या होगा? फिनलैंड के राष्ट्रपति और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविवार को बैठक करेंगे। इसमें नाटो के सदस्यता के आवेदन पर विचार विमर्श भी होगा और औपचारिक फैसला भी लिया जाएगा। इसके बाद इस फैसले को अगले हफ्ते की शुरुआत में संसद के में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। क्या रूस ने नाटो में जाने की इच्छा पर ही यूक्रेन पर हमला किया था? 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद बने यूक्रेन को शुरू से ही रूस पर अपने पाले में करने की कोशिशें करता आया है। हालांकि यूक्रेन रूसी प्रभुत्व से खुद को बचाए रखने की पश्चिमी देशों की ओर लगातार झुका रहा है। 2021 में यूक्रेन ने सैन्य संगठन नाटो से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। यूक्रेन की ये कोशिश रूस को नागवार गुजरी और उसने यूक्रेन पर फरवरी में हमला कर दिया। दरअसल यूक्रेन रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है और रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो की सेना यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। ऐसे में रूस की राजधानी मॉस्को को पश्चिमी देशों की दूरी केवल 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी और अभी ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है और यही डर रूस को सता रहा है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।